ओके, द क्वेश्चन गिवन इज लेट ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स ए सी एंड बी डी. तो ये ओ हो गया हमारा ऑफ ट्रेपेज़ियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी. थ्रू ओ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी मीटिंग ए डी इन पी एंड बी सी इन क्यू. प्रूव दैट पी ओ इक्वल्स टू ओ क्यू. तो हमें क्या गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड PQ is parallel to AB. That means AB is parallel to DC is parallel to PQ. ये हमें मिल गया. अब हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं. अब अगर ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं दैट मीन्स जो लाइन सेगमेंट है वो एक प्रोपोर्शनल होंगे. तो इससे हम कह सकते हैं कि DP upon DA equals to CQ upon CB. तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन वन. हम ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल पी डी ओ कंसिडर करते हैं. सो एंगल डी इज सेम इन बोथ एंड ए बी इज पैरेलल टू पी ओ. तो सॉरी पी ओ. तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी सेम हो जाएंगे. दैट मीन्स ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी डी ओ. ये हमें मिल गया. अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं दैट मीन्स इनके जो साइड्स होंगे वो रेशियो में होंगे. तो हम बोल सकते हैं ओ पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी ए. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन टू. अब हमें क्या गिवन है. अब हम ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ओ सी क्यू ये कंसिडर करते हैं. तो एंगल ए सी बी equals to angle OCQ and OC is parallel to AB. Therefore, triangle ACB is similar to triangle OCQ. अब similar triangles हैं तो sides भी ratio में होंगे. That means OQ upon AB equals to CQ upon CB. ये equation 3 हो गया हमारा. अब From equation 1, 2 and 3, we can say that OQ upon AB equals to OP upon AB. That means PO equals to OQ. यही तो हमें प्रूफ करना था. So hence, proved. This is our solution.